इस कहानी को लिखने से पहले मैंने कई बार सोचा कि आखिर शुरू कहां से करें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सभी का सफर है जो पिछले 17 साल से साथ चल रहा है। 2007 में 20 साल का एक लड़का मुंबई की गलियों से निकलकर टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलने पहुंचा था। निराश था क्योंकि खेलने को मिल नहीं रहा था, लेकिन जब मिला तो कमाल कर दिया। इसी लड़के को टीवी पर देखकर विराट कोहली भी खुद की बल्लेबाजी पर शक करने लगते थे, जिन्हें लाखों बल्लेबाज अपना हीरो मानते हैं। ये रोहित शर्मा की कहानी है। वो 20 साल का लड़का आज जब T20 फॉर्मेट से विदा ले रहा है तो लेजेंड बन गया है। रोहित शर्मा जब शुरुआत में आए थे तब यही बार बार सुनने को मिलता था कि इस बल्लेबाज के पास बहुत वक्त है, ये पूरी तरह से एफर्टलेस है, क्योंकि कोई भी बड़ा शॉट मारने में जान ही नहीं लगानी पड़ती है। लेकिन ये तो सब बल्लेबाजी की बात है। एक बात ये भी है कि रोहित शर्मा कैसे देखते ही देखते इतने महान बन गए और लोग क्यों उनसे इतना कनेक्ट करने लगे। विराट कोहली ग्रेट है, उनसे बड़ा बल्लेबाज शायद ही दुनिया कभी देखे, लेकिन उसी दौर में रोहित शर्मा है जो लीग में किसी से कम नहीं है, जो अपने दम पर पूरा मैच पलट सकते हैं और पलटे भी हैं। रोहित शर्मा का करियर शुरू तो बढ़िया हुआ था, लेकिन तुरंत फ्लो थोड़ा टूट गया। कहा जाता था कि रोहित आलसी बहुत है, मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन किस्मत भी साथ नहीं थी। फिर 2013 आया और सब कुछ बदल गया। किस्मत के धनी कहे जाने वाले MS धोनी ने एक कमाल का फैसला किया, वो रोहित शर्मा से ओपनिंग कराने का था। रोहित ने किस्मत के इस फैसले को सलाम किया और सब कुछ बदल दिया। जो रोहित आलसी था, जो वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं हो पाया था, वही रोहित शर्मा अब टीम इंडिया का ओपनर था, और यहां से ऐसा ओपनर बना कि सिर्फ भारत ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेस्ट ओपनर भी कहलाने लगा। इतिहास जब लिखा जाएगा तो आंकड़ों की बात होगी, आंकड़ों में भी रोहित पीछे नहीं रहेंगे। वनडे में डबल सेंचुरी हो या फिर T20 में सेंचुरी, किसी भी फॉर्मेट में सिक्स हो, कप्तानी का रिकॉर्ड हो, हर जगह रोहित का झंडा बुलंद है, और अब तो झोली में एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी है। बोरीवली से निकला लड़का जिसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने दो बेटों को पाल सके, वो घर से दूर गया, क्रिकेट सीखा, वो ट्रेन में अपनी किट खो देता था, होटल में सामान भूल जाता था, टॉस करने जाता तो भूल जाता कि बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है, लेकिन वो आराम करता है, वो चिल है। रोहित शर्मा की यही कहानी है, इसलिए लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। उसके जो मन में है वो मैदान पर कहता है, अपने खिलाड़ियों के लिए वो बड़ा भाई है। रोहित शर्मा के साथ यही कनेक्ट है जो बार बार फैंस को करीब लाता है। महेंद्र सिंह धोनी जब आए तो उनके साथ सबसे बड़ा कनेक्ट यही रहा कि वो छोटे शहर से निकले हैं, करोड़ों बच्चे उनसे कनेक्ट कर पाते थे और उन्हें देखते हुए ही बड़े हुए। धोनी के बाद ये कनेक्शन रोहित के साथ जुड़ गया, क्योंकि ये भूलना, ये मस्ती करना और बस एक वर्ल्ड कप का सपना जीना, हम भी तो यही सपना देखते हैं। किस्मत का कमाल है वो रोहित शर्मा ने पूरा किया है, वो सपना पूरा हुआ है। रोहित ने वर्ल्ड कप जीता और उस फॉर्मेट को ही अलविदा कह दिया जिसने उसे टीम इंडिया में जगह दिलाई थी। इस विदाई में गम है, लेकिन साथ में खुशी भी है, और सबसे ज्यादा है वो है सुकून, क्योंकि बोरीवली का डॉन अब वर्ल्ड चैंपियन है और उसके साथ हम भी। इतने वक्त के बाद वर्ल्ड कप घर आया है और साथ में खुशी भी लाया है। इस पर एक शेर याद आता है कि तेरे आने से यूं खुशी है दिल जो कि बुलबुल बहार की खातिर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।